कामदारा पंचायत की मुखिया लवली तिर्की की सास वृद्धा मोनिका बरला हत्याकांड का खुलासा करते हुए कामदारा पुलिस गिरफ्तार आरोपी सतीश तोपनो को मंगलवार को गुमला जेल भेज दिया। मंगलवार को कामदारा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बसिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद लागूरी ने बताया कि शराब पीने के लिए आरोपी ने वृद्धा से 20 रुपए मांगा था और वृद्धा के द्वारा इनकार करने पर आरोपी ने वृद्धा को पत्थर व वरिंग से कूच और पैर से लात मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार दोपहर बाद करीब 1 बजे उस समय घटी जब मृतका मोनिका बैंक ऑफ इंडिया भागीदेरा शाखा से 15,000 रुपए निकालकर तुरबुल चौक पहुंची और वहां से कुछ घरेलू सामान किराना दुकान से खरीदकर खेत के रास्ते अपने घर रायबा बड़का टोली जा रही थी। इसी क्रम में आरोपी सतीश भी तुरबुल मोहन टोली से शराब पीकर खेत के रास्ते अपने घर लौट रहा था तो सरना स्थल के समीप दोनों की मुलाकात हो गई और आरोपी ने वृद्धा से 20 रुपए की मांग की जिस पर विवाद बढ़ा और वह नशे में मोनिका की हत्या कर दी। कामदारा पुलिस घटना स्थल से खून लगा पत्थर, खून लगा मिट्टी, आरोपी का खून लगा कपड़ा और मृतका का बैग समेत पासबुक व नकद राशि 14,590 रुपए भी बरामद कर ली। वहीं मृतका के शव को मंगलवार को पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेजते हुए गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दी। गिरफ्तार आरोपी ने हत्याकांड में अपनी जुर्म कबूल करते हुए पछतावा कर रहा था। पीसी के क्रम में कामदारा थाना प्रभारी कौशलेंद्र कुमार समेत पुलिस बल के जवान मौजूद थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।